उषा पटेल गार्डन एंड ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं उषा पटेल, आपकी गार्डनिंग दोस्त। तो अभी जो मौसम है तो हमारे गार्डनिंग के लिए कटिंग लगाना, नर्सरी से जाके प्लांट लाना, गार्डन में बहुत सारे काम करना होता है। तो देखो मैं क्या करती हूँ, ये सारे जो गमले बीच में आपको पड़े रहे दिखते हैं वो वैसे तो यहाँ होते हैं। थोड़ी सी बारिश आती है, ऐसा लगता है कि बारिश आने वाली है, आती है तो फिर भीग के सारे को मैं इधर कर देती हूँ। फिर देखो जैसे ही बारिश चली गई, अभी मैं शाम को इसको पास अपने घर पे रखूँगी। तो दो तीन दिन में, कभी कभी तो मैं दो तीन बार भी दिन में कर देती हूँ, टाइम होता है तो, नहीं होता है तो यहाँ रख देती हूँ और फिर शाम को फिर से उसको अपने घर ले जाती हूँ। तो अभी बारिश की मौसम में क्या है कि हमारे गार्डनिंग में जो भी प्लांट है सर्वाइव अच्छे से कर पाएंगे। आप कटिंग लगाना चाहे तो कटिंग भी लगा सकते हो, कहीं से लाके मांग के चुरा के, क्योंकि काफ़ी ऐसे प्लांट होते हैं कि अच्छे से कटिंग से ग्रो हो जाते हैं। आज मैं एक ऐसा प्लांट बताऊँगी कि सूप प्लांट है, बेस्ट एयर प्योरीफायर प्लांट है और कहीं भी किसी के भी गार्डन में जाओ जिसको गार्डन का बिल्कुल शौक ना हो, वहीं भी आप देखोगे तो एक मनी प्लांट तो होगा होगा ही होगा। छोटी सी घर होगा, छोटी सी झोंपड़ी भी होगी और आप देखोगे तो भी उनके घर पे एक ए प्लांट एक ऐसा है, एवरग्रीन प्लांट है, सबको मालूम है उसके बारे में, क्योंकि सबको पता है कि ये सूप प्लांट है। उसको मनी प्लांट का नाम लगाने से सबको लगता है इसके लगाने से मनी आएगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। मेरे लिए तो मेरे गार्डन में जो भी प्लांट सर्वाइव कर जाए मेरे लिए सारे प्लांट सूप है। तो आज हम मनी प्लांट के बारे में बात करेंगे। देखो मनी प्लांट एक कटिंग से ग्रो हो जाता है, मैंने बहुत सारी इसमें कटिंग ऐसे देखो लगा के रखी है, इधर इधर भी लगाई है, इसमें भी लगाई है, तो एक अच्छे से कटिंग से ग्रो होने वाला प्लांट है। आप इसको मिट्टी में भी कटिंग करके लगा सकते हो और इसको पानी में भी ग्रो कर सकते हो। अगर आपने पानी में ग्रो किया है तो आप हर हफ्ते इसका पानी चेंज करना पड़ता है। आप अगर पानी आप चेंज नहीं करोगे तो इसमें फंगस लग जाती है, लील हो जाती है, काई हो जाती है और फिर हमारा प्लांट अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाता। तो आज हम बात करेंगे मनी प्लांट। तो ये मेरे मनी प्लांट आप देख सकते हो कितनी बड़ी मेरी वो मोस्टिक है जो मैंने खुद अपने घर से बनाई है। वो कुचड़ा आता है बर्तन घिसने का, वही उसको पहला ऐसे कपड़े पुराने कपड़े पर लपेट दिया, फिर इसको ऐसे ही मैंने एक बर्तन घसने का कुचड़ा 10 रुपया का उसके ऊपर चढ़ा दिया है। तो ये मेरा मनी जितना मेरा ये मोस्टिक आपको दिखाई दे रही है जितनी ऊंची थी ये और ये सब, तो सारे मेरे प्लांट इतने ही बड़े थे। पर इतनी गर्मी में जो अब इस साल आपको पता है इतनी गर्मी पड़ी है, हमारे 47-48 भी चली गई थी, तो सारा प्लांट मेरा ख़त्म हो गया था, मतलब जल गया था, पत्ते ख़राब हो गए थे, डंडिया तो वैसे की वैसी थी। देखो आप इधर देख सकते हो कि वैसी की वैसी डंडिया थी। तो मैंने क्या किया है, पूरा प्लांट मैंने कट कर दिया, जहाँ से मैंने देखो इधर से ऐसे इधर से बस एक छोटी छोटी डंडिया रख के मैंने सारे प्लांट की कटिंग कर दी थी। और जैसे ही बारिश आई, अब लगता है कि बारिश आने वाली है, इससे पहले ही मैंने किया था, शायद 15 या 20 दिन हुआ है, 2-3 बार बारिश आ गई है। यहाँ देखो ऐसे मैंने सारे प्लांट की इधर कटिंग कर दी, इधर ये देखो, यहाँ ये देखो, तो मैंने सारे प्लांट की कटिंग कर दी थी, इधर ये देखो। तो और जैसे ही बारिश की मौसम आई मेरा प्लांट आप देख सकते हो कि इतना अच्छे से ग्रो करने लगा है। मैंने जो भी एक दो पत्ते ऐसे पुराने वाले थे तो मैंने पुराने पत्ते सारे निकाल दिए थे और पूरी हार्ड प्रूनिंग ऐसे ही बोलो ना, मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी थी और इतनी छोटी छोटी डंडियाँ मैंने रखी थी। फिर क्या हुआ, जैसे बारिश का उसको पानी मिलने लगा, थोड़ी ह्यूमिडिटी बढ़ने लगी और हमारा प्लांट फिर से अच्छे से नई ग्रोथ शुरू कर दी। अगर आपके पास भी आपका मनी प्लांट पुराना है, पत्तियां जल गई है, ख़राब हो गई है, तो आप ऐसे डंडियां अकेली ऐसे डंडियां मत रखो, आप अपने प्लांट को प्रूनिंग कर दो, अच्छे से प्रूनिंग कर दो और बारिश के पानी में छोड़ दो, मतलब जहां बारिश आती है वहां छोड़ दो, जितना भी पानी मिले उसको कुछ नहीं होता है, जितना जैसे जैसे पानी ज़्यादा बारिश का मिलता जाएगा और हमारा प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता जाएगा। अगर आपका बारिश का पानी तो मिलता है और फिर भी आपको ऐसा लगे कि मेरे प्लांट को अच्छी सी ग्रोथ चाहिए, पत्ते बड़े बड़े चाहिए, तो हमें कुछ इसको खिलाना भी पड़ता है, अकेले पिलाने से नहीं चलेगा। तो खिलाने में क्या होता है कि आप ऑर्गेनिक में जाना चाहते हैं तो आप इसको वर्मी कंपोस्ट दे दो। और अभी बारिश की मौसम है, ज़्यादा बारिश आ रही है, तो आप इसको चेक करो कि गमले में कहीं पानी ठहर नहीं रहा है, आप इसके नीचे से इसका होल चेक कर लो और अपने
गमले में के पानी नहीं ठहरता वो कर लो। दूसरा हमें क्या करना है, आप उसको वर्मी कंपोस्ट के साथ थोड़ी सी हल्दी भी दे दो, क्योंकि इसी मौसम में फंगस लगने का भी हमारे प्लांट को चांस रहता है। तो सारे गमले में आप ऐसे हल्दी पाउडर का भी यूज कर सकते हो, हल्दी नहीं करना है तो आप फंगीसाइड का भी यूज कर सकते हो। आप ऑर्गेनिक में जाना चाहते हो तो मैंने बताया कि आप वर्मी कंपोस्ट है, गाय का गोबर है, बकरी का मैन्यूर, कोई भी खाद आप दे सकते हो। और आप केमिकल में जाना चाहते हो तो DAP और यूरिया दोनों बेस्ट नाइट्रोजन का स्रोत है, बेस्ट खाद है कि अभी बहुत गर्मी नहीं होती है, बारिश आ रही है, बारिश वातावरण में बहुत अच्छी सी है। तो आप गमले के हिसाब से जितना छोटा गमला है तो इतने 2-3 दाने डाल दो, 10-12 इंच का इतना गमला है तो 10-12 दाने डाल दो, कुछ नहीं होगा गुड़ाई करके, बस ऐसे ही छोड़ दो और तुरंत पानी डाल दो कि हमारे प्लांट को फुल नाइट्रोजन मिल जाएगा और हमारा प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा। आप देख सकते हो ये फिलोडेंड्रॉन, कोई भी आपके पास अगर जिसका फूल नहीं आता है और अकेला जिस प्लांट को पत्ते ही इसकी जिसकी शोभा है, चाहे ए हो पूरे कॉटन हो, फिलोडेंड्रॉन हो, मनी प्लांट हो, जो भी प्लांट हो, मोर पंखी हो, ये मेरा जीजी देखो, तो सारे प्लांट आप इसको नाइट्रोजन रिच कोई भी फर्टिलाइजर दे दो और अपने प्लांट को आप देखना, आपको 10-15 दिन में ही फर्क पड़ेगा कि आप देखना कि अपना प्लांट में कितनी अच्छी सी ग्रोथ होती है और हमारा प्लांट कैसा पत्तियां भी बड़े बड़े निकालने लगते हैं। अभी भी बहुत तेज़ धूप आती है कभी कभी और हमारा प्लांट जल जाता है। ऐसा नहीं है कि बारिश की मौसम आ गई है और हमारे यहाँ तो अहमदाबाद में अभी भी गर्मी पड़ रही है, तो फिर भी मैंने 10-15 दिन पहले ही पूरे प्लांट की मैंने प्रूनिंग कर दी थी और मेरा प्लांट आप देखते हो फिर से हरा भरा हो गया है। तो चलो फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।